सत श्री अकाल मैरीना तमाम तुम देख रहे हो डी फाइव चैनल पंजाबी ते गल करांगे श्रोमणी कमेटी के प्रधान दीआं चोणां लैके मुद्दा काफ़ी गरमाया है। जिस तरीके दे नाल बीबी जगीर कौर दे वल्लों खुले तौर पर बगावत की जा रही है ते अपने स्टैंड दे उत्ते उह कायम ने कि उह इह चोणां जरूर लड़नगे। इस नूं लैके असीं इस मामले दे उत्ते जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल दे नाल फोन ते गलबात की गई है अते जो बीबी जगीर कौर दा स्टैंड आ चोणां लड़न दा उस नूं लैके सवाल जवाब किए गए ने। आखिर उन्हां दा की कहना देखो है खास रिपोर्ट। दादूवाल जी बीबी जगीर कौर के श्रोमणी कमेटी के प्रधान दी चोणां लैके जो उन्होंने स्टैंड कायम आ उस बारे की कहना चाहोगे? देखो मैं तो एक ही गल कहनी चाहना कि जिन्हें भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर है सारे ही प्रधानगी की चोण लड़न का हक है जी। जे बीबी जगीर कौर ने अपना हक जता दिता तो मैं समझता भी कोई अनुशासन भंग नहीं किया। श्रोमणी अकाली दल बतौर पार्टी च रेंदे उन्होंने कहा कि जे तीन बार तुसी मैनू प्रधान बना सकते हो तो चौथी बारी जे मैं दावा करता तो फिर किहड़ा अनुशासन भंग हो गया। पर बादल परिवार अपनी मनोपली जिहड़ी ओह जमाई रखने वास्ते कब्जा जमाई रखने वास्ते जिहड़ा है अनुशासनी कार्रवाई के नाँ ते दूजे मैंबरां नूं भी डराउणा चाहुंदा। मैं समझदा बीबी जगीर कौर नाल मेरा विचारां दा वखरेवा होना वखरी गल है जी। पर जो उसने लिफाफा कल्चर नूं खत्म करन ते बादल परिवार दी मनोपली तोड़न वास्ते जिहड़ा स्टैंड लिया मैं उसकी शलाघा करदा ते मैं अपील करदा समुचे मैंबरां नूं कि जेकर चाहुंदे हो कि बादल परिवार जिहनूं पंथ ते पंजाब ने नकारिया होया इस वेले जिन्हें कोलों पंजाब की सरकार नहीं रही वह भी जाती रही दिल्ली की कमेटी जाती रही फिर दिल्ली का अकाली दल जाता रहा हरियाणा कमेटी वक्री बन गई और जिन्हें पंथ से पंजाब ने हमेशा गदारी की है बादल परिवार ने जेकर तुसीं घरे बिठाउणा चाहते हो तो सारे सत्कारयोग मैंबर चाहे हरियाणा चो ने चाहे पंजाब चो ने जिन्हों की वोट है श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने वह अपनी वोट जी है बादल परिवार की मनोपली तोड़ने वास्ते पाउण वो बादल परिवार का कब्जा हटाने वास्ते तोड़न ते जिहड़ा बीबी जगीर कौर ने इस वेले कदम उठाया होया मैं उहदी शलाघा करदा जी। दादूवाल जी लिफाफा कल्चर खत्म करने की गल कही जा रही है क्योंकि लिफाफा कल्चर की जेकर गल की जाए यह कोई अज का नहीं चल रहा उस वक्त भी चलिया जो बीबी जगीर कौर खुद भी कई बार प्रधान रहे हैं तो जी हूँ उन्होंने वालों गल की जा रही है इस बारे की कहना? मैं समझदा कि देर आए दुरुस्त आए जी। बीबी एक होर गल बड़ी पते दी मैं कहनी चाहना शायद बहुतियां दे ध्यान विच ना होवे जी। बीबी जगीर कौर ही पहली प्रधान सी जिहड़ी लिफाफे चो गड्डी सी बादल परिवार ने 1999 दे विच ते बीबी जगीर कौर नूं इस गल दा सेहरा मिल रहा है कि जिहड़ी लिफाफा कल्चर नूं खत्म करन वास्ते आवाज उठा रही है। जदों सब तो पहली बार लिफाफा खोलिया सी एसजीपीसी दा उदों बीबी जगीर कौर दा ही नाम आया सीगा ता हुण जे बीबी जगीर कौर ने ही उद्यम किया वा तो इस गल की शलाघा तो मैं कहना चाहना कि देखो इस तरह दियां गल्लां कह के बादल परिवार दे वल्लों कि असीं अनुशासन भंग होया जी इस तरह होया दूजे मैंबरां नूं ना डराया जावे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का खेड़ा छड्डण ता कि साडी जिहड़ी निघार दी हद ते गई होई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वह मुड़ सरवाइव हो सके। देखो मैं एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जी। मैं बारे ये कहना चाहना कि अच्छे अच्छे ने चंगे ने पढ़े लिखे ने सूझवान ने पर उन्होंने भी अज चाहिए कि वह मैंबर साहबाना का साथ लैके सहयोग लैके श्रोमणी कमेटी च सुधार करने की कोशिश करन। वो बादल परिवार के जिस तरीके दे नाल उन्हां नूं पहलां लिफाफे चो कढ़िया ते हुण फिर वह अपनी मनोपली उन्हां दे राही उन्हां नूं वरत के कायम रखना चाहते हैं उन्हां नूं भी सगों बीबी जगीर कौर का साथ देना चाहिए हुण एक बार लिफाफा कल्चर खत्म हो जाए बादल परिवार का कब्जा टुट जाए तो फिर अगां तो जिहड़े समुचे मैंबर साहबान आ खुद सरदार तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच बैठ के ते आप अपनी वोटिंग करके जिहड़ा हैगा उह प्रधान नूं चुण दी जिहड़ी आ उह कारवाई रंभिया करन ते नवीं जिहड़ी पिरता जिहड़ी पहलां सी बाद च बादल परिवार ने खत्म करती सी हुण उहनूं दुबारा जिहड़ा शुरुआत कीती जाए जी। दादूवाल जी की लगता कि जिस तरीके बीबी दे वल्लों खुल्लेआम बगावत जिहड़ी बादल परिवार के खिलाफ छेड़ी हुई है क्योंकि जदों भी कोई पार्टी के खिलाफ बोलता चाहे वह सियासी पार्टी की गल की जाए तो देखा जाता कि उसके खिलाफ जिहड़ी कार्रवाई की जाती है कि कोई इस तरीके की शंका हो सकती है क्योंकि अज भी जिहड़ी अनुशासनी कमेटी की मीटिंग सदी गई है जिथे बीबी नूं बुलाया गया। देखो मैं एक गल कहनी चाहना कि
ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਿਆਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੰਗ ਆ ਕੱਲਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਨੋਪਲੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਨਾ ਤਿਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ